था, ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधा कवर कर लिया है, बट यू नो वॉट, अब लेट भी हो रहा है, 5:30 हो भी गया है और हम लोगों को वापस रूम तक भी जाना है और काफ़ी दूर भी है यहाँ से रूम, सो दैट्स व्हाई अब हम लोग पूरा ट्रैक कवर नहीं कर रहे हैं। बट गाइस, आप यहाँ आए कभी भी मनाली तो यहाँ का ट्रैक जरूर मतलब एक बार ट्राई करें। यू नो वॉट, काफ़ी ब्यूटीफुल सा प्लेस था। यहाँ पे थोड़ा वगैरह में लीफ वगैरह है नहीं, इस साइड पे रिवर है हमारी और यहाँ पे छोटे छोटे से झरने हैं जो बह रहे हैं, बट यहाँ पे ट्री से कवर है वो देखो। हम लोग गोशाल विलेज एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे और हमें ये वूफर्स जो है यहाँ पे बैक पैकर्स के लिए बहुत मस्त है। और चलिए देखते हैं, यहाँ पता करते हैं कि इनकी कॉस्ट वगैरह क्या थी। और हमें यार वाकई में बहुत प्यारा व्यू लगा है इनका। और सोचिए आप, जब यहाँ पे स्नो गिरती होगी तो यहाँ के नजारे तो यार जन्नत वाले रहते होंगे। तो चलिए आइए, यहाँ पता करते हैं कॉस्ट वगैरह क्या है, रुकना मिलता है। और अगर आपको ये वैली वाकई में एक्सप्लोर करनी है, रुकना है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं पे स्टे करिए 1-2 दिन, क्योंकि यहाँ का व्यू, यहाँ से व्यूज तो बहुत तगड़े तगड़े आएंगे। और छोटा सा ट्रैक है यार इस गांव का, और वो भी कवर करेंगे तो बहुत मस्त आएगा। हमारे भैया खड़े हैं, हाय भैया, हाउ आर यू भैया। तो भैया तो फाइन लग रहा है, तो भैया से पूछ लेते हैं यहाँ का, भैया ये हॉस्टल वगैरह का क्या चार्जेस पड़ता है, रूम्स वगैरह का। अच्छा, ये देखिए, हाय भैया, हाउ आर यू भैया, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया भैया, की तबीयत गड़बड़ लग रही लग रहा। चलिए भैया, यहाँ के बारे में बता दीजिए। तो ये कॉमन एरिया हमारा, हाँ, बाकी ऊपर सारे रूम 10 बेडरूम 6 बेड 8 बेड। और फूडिंग वगैरह का भी किचन है हमारे पास, जो भी खाना रहेगा। और ये जो पीछे विलेज है, यहाँ के व्यूज वगैरह सारे वाटरफॉल नहीं है, सारा व्यू मिल जाता है। हाँ, तो आप एक बार इधर लोगों ने देखा, यहाँ के ऑनर जो थे उन्होंने काफी अच्छे तरीके से हम लोग को ट्रीट किया हुआ है। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ के रूम देखने के लिए, तो अब हम लोग सोचेंगे ये चलता है जिसके यहीं पे करें हम लोग। तो और ये देखिए, यहाँ पे फूड वगैरह के लिए आराम से स्टे कर सकते हैं, और यहाँ पे अच्छा खाना भी मिल जाएगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी ये भैया बना के दे देंगे आपको, इनके पास में किचन अवेलेबल है। तो आइए भैया, चलिए रूम दिखा दीजिए मुझे। आइए आइए भैया, इतना भी क्या सामान है। गेम जोन भी, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा गेम जोन भी है, आप यहाँ पे छोटा सा गेम भी खेल सकते हैं। वाकई में गाइस, ये ऊपर जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ऑसम निकला छोटा। ये देखो टेबल टेनिस वाला गेम भी था, और ये देखिए पूल गेम भी है यहाँ पे अवेलेबल। मतलब आप अगर ग्रुप में आते हैं ना गाइस, तो आप चिल मार के यहाँ पे 1-2 दिन स्टे कर सकते हैं, पूरा मजा आएगा। व्यूज तो बहुत तगड़े तगड़े हैं और बालकनी से व्यूज तो यार क्या बात है। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हम लोग ऊपर के रूम्स कवर कर लेते हैं। और आपको कभी अगर यहाँ पे स्टे करना हो तो इनकी वेबसाइट भी है www.woofers.com, तो वहां पे जाके आप अपना जी solid.in है, तो भैया ने बताया, तो वहां से भी आप यहाँ के रूम्स मतलब है बुक वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ में हम लोग ऊपर इनके चारों ओर स्क्वाड गेम्स के इमेज और वो सब लगा हुआ है वाकई में, मुझे सबसे ऑसम लगा यहाँ का। और देख सकते हैं ये इनके फर्स्ट फ्लोर का है, यहाँ से भी तो तगड़ा है ही, और ऊपर भी चल के अभी हम लोग रूम देखने जा रहे हैं। हो जाएगा भाई, वाकई में लग रहा है यार, ये तो ब्लाइंडली एकदम अपर लेवल वाले ये लोग फैन लग रहे हैं इस पैटीएम के, देख रहे हैं आप लोग। इनकी कॉस्ट क्या आती है? 400 पर पर्सन ना। सो ये देखिए भैया, ये दिया हुआ है 10 बेडरूम्स हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से ये बेडरूम्स हैं। लाइट ऑन कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, यही है भाई। फिर और सब बाकी बेड के साथ। अच्छा अच्छा ठीक, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे कॉमन लाइट है, बाकी सब बेड के साथ में वहाँ पे लाइट्स हैं। और आप देख सकते हैं चारों ओर यहाँ पे 10 रूम्स अवेलेबल हैं। लाइक दैट सैंपल के तौर पे भैया ने एक जला दिया है, ऐसे ही सारे यहाँ पे टोटल 10 बेडरूम्स हैं। और ये देखिए अटैच लैट्रिन बाथरूम है, और 400 पर पर्सन पर नाइट का पड़ेगा यहाँ पे कॉस्ट है इनकी। वाकई में यार मस्त लगा मुझे। और तो आप कभी भी आते हैं, आप कभी भी आए यहाँ पे, इनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको पर्सनल रूम चाहिए रूम बुक कर सकते हैं, हॉस्टल टाइप में अगर ऐसा चाहिए तो वो भी बुक कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट आएगी आपको 400 पर नाइट पर पर्सन। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन
आपको अगर अच्छा लगे तो इनके वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर जरूर करें। इनका वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर भी है। यहाँ के अगर बारे में आपको और इनसे डिटेल में जानना है तो आप उनसे भी बातचीत करें। और यहाँ के लोग वाकई में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तो है ही है यार। अब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं कह सकूँ इनकी तारीफ में। तो चलिए इसी के साथ में बाहर का व्यू भी देख लेते हैं। इनके ये प्राइवेट रूम्स हैं, आप देख सकते हैं प्राइवेट रूम। इसकी कॉस्ट जो है 1300 से 1400 तक है अगर आप हमारे ब्लॉग के थ्रू आते, और आप इनकी वेबसाइट पे बात कर भी सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर ये सीजन में आएंगे तो आपको 2000 के आसपास ये रूम मिलेगा पर नाइट का। और देख सकते हैं रूम यार कितना वेल मेंटेन है, कितना प्यारा सा है। हनीमून पैकेज के लिए तो और ही ज्यादा व्यू तो बढ़िया सा ही है। और मतलब यहाँ रूम भी काफी अच्छा है, आप पूरा रूम देख सकते हैं। और उधर लाइटिंग बाथरूम जो है इनका अटैच भी है। और यार वाकई में यहाँ के ऑनर और यहाँ के जो भैया लोग हैं स्क्वाइड गेम के लवर हैं यार। लवर क्या मतलब, बहुत तगड़े वाले फैन है। जस्ट बिकॉज इन्होंने हर वॉल पे उनकी पेंटिंग, हर वॉल पे यार बहुत अच्छे थे। इन्होंने अपना जो था नाम था सुरजीत भैया जो है हमारे बहुत प्यारे नेचर के हैं। इन्होंने हमें गेम जोन भी दिखाया और पूरा हमें यहाँ का सैर भी कराया और यहाँ के बारे में भी बताया। और सुरजीत भैया और यहाँ के ऑनर दोनों लोग एकदम मस्त आदमी हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे।